आपको बताएं कि ब्रायलर गोश्त की कीमत बेकाबू हो चुकी है और मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा हो चुका है। फी किलो कीमत 587 रुपये हो गई है, तो वहीं फार्मी अंडे 1 रुपये फी दर्जन महंगे हुए हैं। अंडों का रेट 272 रुपये फी दर्जन मुकर्रर किया गया है। सब्जियां और फल भी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। मज़ीद बताएंगे साहिद आबिद, बताइए साहिद। कीमत में रोजाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज भी मार्केट में चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए फी किलो इजाफा देखा गया, जो कि 573 रुपए से बढ़कर 587 रुपए फी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। और गुज़श्ता कई हफ्ते गुजर चुके हैं जिसमें चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत तकरीबन 600 रुपए के इर्द गिर्द घूम रही है और इसमें मजीद कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। इसी तरह फार्मी अंडे भी रोजाना की बुनियाद पर 1 से 2 रुपए में इजाफा देखा जाता है। आज भी 1 रुपए मजीद महंगे होकर 272 रुपए फी दर्जन इनकी कीमत मुकर्रर की गई है। सब्जियों की सूरत भी इसी किस्म की है। सिवाय टमाटर के इस वक्त बाकी तमाम सब्जियां गरीब की पहुंच से बाहर नजर आती हैं। टमाटर इस वक्त सरकारी रेट 32 रुपए और आम मार्केट में 50 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि दीगर सब्जियों में आलू 80 रुपए, प्याज 60 रुपए, लहसुन 450 और अदरक 800 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह फूल गोभी 120 रुपए, जबकि मटर 250 रुपए फी किलो इस मार्केट में दस्तियाब है। नींबू देसी 300 रुपए फी किलो मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जबकि टिंडे की कीमत भी 140 रुपए फी किलो है। फलों में भी इसी किस्म की सूरत नजर आती है, जिसमें केला स्पेशल 450 रुपए फी दर्जन, केला दर्जा उगल 280 से 300 रुपए फी दर्जन और सेब तकरीबन 400 रुपए फी किलो इस मार्केट में दस्तियाब है। जी बहुत शुक्रिया साहिब।